नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। भारत में बच्चों को झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। कांग्रेस ने साम्यवादी इतिहासकारों के साथ, भारत के वीर राजाओं के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, बहुत बड़ा धोखा किया। उन्होंने भारतीय राजाओं को कमज़ोर और मामूली सा सिद्ध करने की कोशिश की और इस्लामिक और मुग़ल शासकों को बहुत ही कुशल शासक और बहादुर बताने की कोशिश की। उनके अनुसार मुग़ल बहुत ही दयालु थे और वो हमेशा लोगों के भले के काम करते थे। असलियत को छुपाया, लेकिन अब भारत के लोग जागृत हो गए हैं और वो सच्चाई जानने के लिए आतुर हैं। अब एक एक करके मुग़लों की जो नीच हरकतें थी, उनकी गंदी करतूतें थी, अब लोगों के सामने आ रही हैं। जहांगीर को बहुत ही श्रेष्ठ बादशाह बताया जाता है साम्यवादी इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन उसने अपने खुद के बेटे को अंधा कराया, हमारे पांचवें सिख गुरु की हत्या कराई और उनकी अनेक क्रूरता की कहानियां अब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही हैं। जहांगीर गद्दी का अकेला वारिस था, फिर भी उसने अपने पिता अकबर से विद्रोह किया और अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का भी कत्ल करवा दिया। भारत के इतिहास में जब मुग़लों वाला अध्याय आरंभ होता है तो सबसे क्रूर और हिंदुओं के प्रति सबसे अधिक अंधकार वाले कालखंड का आरंभ होता है। हालांकि उससे पहले भी दिल्ली सल्तनत काल से ही हिंदू संघर्षरत थे, परंतु मुग़ल काल इसलिए क्योंकि ये लोग स्थायी रूप से ही दिल्ली, लाहौर और आगरा के बीच बस गए थे। बाबर मात्र 4 वर्ष ही रुक सका और उसका बेटा हुमायूं तो हमेशा भाग दौड़ में रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही उसकी मौत हो गई। अकबर के बाद उसका अय्यास बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा था। हालांकि अकबर के और बेटे भी थे, मुराद और दानियाल, ये दोनों जहांगीर के भाई थे, मगर दोनों की ही मौत जल्दी हो गई थी। मुराद की मौत तब हुई जब जहांगीर 30 वर्ष का था और वर्ष 1604 में उसके दूसरे भाई दानियाल की मौत भी हो गई थी। ये दोनों सलीम यानी जहांगीर से भी अधिक अय्यास थी। जहांगीर गद्दी का अकेला वारिस था, फिर भी उसने अपने अब्बा अकबर से विद्रोह किया और अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का भी कत्ल करवा दिया। उसके बाद भी अकबर ने उसे माफ़ किया और उसे किसी और अभियान के लिए भेजा, मगर स्वभाव से आलसी होने के कारण वह फिर नहीं गया। जहांगीर और उसके अब्बा हजूर की बनती नहीं थी, या कहें कि अकबर इतने लाड और दुलार के बाद पाए हुए बेटे को शराब में डूबा देखकर दुखी रहता था। इस कारण अकबर ने अपना ध्यान खुसरो पर लगाना आरंभ किया। खुसरो
जहांगीर के सभी बच्चों में सबसे सुंदर था और अकबर उससे प्यार भी बहुत करता था। अपने अब्बा के खिलाफ बिना किसी कारण विद्रोह का झंडा उठाने वाले जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो के विद्रोह का दमन बहुत ही क्रूरता से किया था। उसने अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार किया कि बहुत ही अधिक शराब पीता था। नूरजहां इम्प्रेस ऑफ मुगल इंडिया में इलियस बैंकस फैंडली कई लेखकों और यात्रियों के हवाले से जहांगीर की क्रूरता की कहानी लिखते हैं। खुसरो ने वर्ष 1606 में विद्रोह किया था मगर वह विफल हुआ। लाहौर के बाहर युद्ध हुआ था। जहांगीर ने अपने बेटे को कारागार में डाल दिया और उसके दो दोस्तों हुसैन बेग और अब्दुल रहीम को बैल और गधे की खाल में भरने का हुक्म दिया। उसने कहा कि इन दोनों को गधों पर बिठाया जाए और उनका चेहरा पूंछ की तरफ होना चाहिए और फिर उन्हें पूरे शहर में घुमाया जाए। क्योंकि बैल की खाल जल्दी सूखती है इसलिए हुसैन बेग जल्दी ही मर गया और उसके सिर को काट कर आगरा के गेट पर लटकाने के लिए भेज दिया गया। अब्दुल रहीम बच गया और उसे रिहा कर दिया गया। उसके बाद जहांगीर ने शहर में मिर्जा कामरान के बगीचे से सड़क के किनारे लकड़ी के खंभे लगे और उन पर उसके आदमियों ने उन सभी की लाशें टंगवाई जिन्होंने खुसरो के साथ विद्रोह किया था। इतना ही नहीं, अपने बेटे खुसरो को हाथी पर बिठाकर ये सब दिखाया कि उसके समर्थों के साथ क्या किया गया है और खुसरो ने श्रद्धांजलि दी। उस हाथी पर जहांगीर भी बैठा था और साथ ही महावत खान भी था। महावत हर सिर को खुसरो को बताता जा रहा था। जहांगीर ने उसके बाद यह तय किया कि वह उन सभी को मारेगा जिन्होंने खुसरो का साथ दिया था। उसने सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव का भी कत्ल करवाया। अपनी आत्मकथा में वह लिखता है कि गोविंद बाल में ब्यास नदी के तट पर अर्जुन नाम का हिंदू संत बेश में रहता है। उसने भोले भाले हिंदुओं और कुछ बेवकूफ मुसलमानों को भी अपने जाल में फंसा रखा है। वे उसे गुरु कहते हैं और उस पर विश्वास जताते हैं। उसके बाद वह कहता है कि कई बार मुझे लगा कि इस बेवकूफ़ी पर रोक लगाई जाए और उसे इस्लाम मानने वालों के बीच लाया जाए। खुसरो जब वहाँ से होकर गुजरा था तो अर्जुन देव ने खुसरो से भेंट की और उन्होंने खुसरो के माथे पर तिलक लगाया। गुरु अर्जुन देव की हत्या खुसरो का साथ देने के कारण तात्कालिक कारण के चलते कराई गई थी, मगर इस पुस्तक से यह स्पष्ट होता है कि उसका कारण कुछ और था। खुसरो को भी सजा मिलनी आवश्यक थी, इसलिए उसे महावत खान के अनुरोध पर अंधा कर दिया गया। हालांकि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में खुसरो के अंधे किए जाने का उल्लेख नहीं किया है, परंतु तात्कालिक लेखक और कई और इतिहासकार इस घटना की पुष्टि करते हैं। उसकी आत्मकथा में भी एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख है जिसने खुसरो होने का दावा किया था और अपनी आँखों के घाव दिखाए थे। नूरजहां इम्प्रेस ऑफ मुगल इंडिया में इलियस बैंकस फाइंडली फादर फेरानी के 1609 के उद्धरणों के हवाले से लिखते हैं कि जहांगीर अपने बेटे को लाहौर से आगरा एक हाथी की पीठ पर लाया था और वह रास्ते में उस जगह पर रुका जहां उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और फिर उसकी आंखों में कुछ बूटियों का जूस डालकर उसे अंधा कर दिया। वर्ष 1611 में फिंच दो कहानियां बताते हैं कि एक तो जहांगीर खुसरो को काबुल ले गया जहां पर वह युद्ध हुआ था और फिर उसने पिंगले शीशे से अपने बेटे को अंधा कर दिया, और दूसरी यह कि जहांगीर ने रुमाल से ही अपने बेटे को अंधा कर दिया। वर्ष 1613 में हॉकिंस यह कहते हैं कि खुसरो अपने अब्बा के कैद में था और उसे उसके अब्बा के इशारे पर अंधा कर दिया गया।
टेरी वर्ष 1622 के आसपास। यह कहते हैं कि 1606 के विद्रोह के बाद खुसरो को जेल में डाल दिया गया था, जहां पर उसकी आंखों में कुछ चिपका दिया गया था। हालांकि बाद में कुछ वर्ष बाद उसकी आंखों से वह चिपचिपा पदार्थ हटा दिया गया, मगर फिर भी वह खुलकर देख नहीं पाता था। कुछ कहते हैं कि उसकी आंखों में इतनी तेज कोई तार घुसेड़ा गया था कि तार दर्द ने सह पाने के कारण अंधा हो गया था। खुसरो अंधा कैसे हुआ इसके विषय में एकमत नहीं हुआ जा सकता, मगर इस विषय में लोग एकमत हैं कि उसे अंधा किया गया था। सलीम बनकर जो जहांगीर अपने अब्बा के खिलाफ लगातार विद्रोह का झंडा उठाए रहा, उसने अपने ही बेटे को इतना भयानक सजा विद्रोह की दी थी और इसी का बहाना लेकर उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की भी हत्या की थी। लेकिन जहांगीर इस सीमा तक कम्युनिस्ट लेखकों प्रिय है कि उसकी कथित प्रेम कहानी पर मुगल आजम बनाई जाती है और उसकी तमाम अय्याशियों को जिन्हें वह स्वयं में स्वीकारता है को प्यार में डूबे हुए आदमी की कहानी बताया जाता है। सलीम अनारकली की यह कहानी दिखाई जाती है जिसका उल्लेख जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में कहीं नहीं किया है। उसने लगभग अपनी हर बीवी और रखेल का उल्लेख किया है, उनसे पैदा हुए बच्चों के बारे में बताया, मगर अनारकली नामक महिला का उल्लेख उसने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद तुझ के आई जहांगीरी और मेमोएक्स ऑफ जहांगीर के रूप में उपलब्ध है, में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है, जिसके बहाने सलीम को एक महान प्रेमी बनाकर पेश किया जाता है। भारत के इतिहास के साथ इन साम्यवादी इतिहासकारों ने कांग्रेस की मिली भगत से बहुत ही बड़ा अत्याचार और धोखा किया है। अब भारत की जनता जान गई है और अब वो सच्चाई को जानने की इच्छुक है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।